दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि अपलोड से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने जो चैनल है वो नया चैनल है, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। इसमें सारी चीज़ें बेसिक से लगाकर एडवांस तक कवर की जाएगी और सारी फाइनेंस की बातें, फिर चाहे वो IPO की हो, उसके बाद लिस्टिंग की हो, ट्रेडिंग हो, टेक्निकल एनालिसिस हो, फंडामेंटल एनालिसिस हो, फ्यूचर में कैसे ट्रेड होता है, ऑप्शन में कैसे ट्रेड करते हैं, करेंसी सेगमेंट में क्या होती है ट्रेडिंग की रणनीति, कमोडिटी में कैसे ट्रेड करते हैं, सारी चीज़ें और हमारी जो द्वारा बनाई गई जो स्ट्रेटेजी है वो, प्लस जो ट्रेडिंग के लिए या ट्रेनिंग के लिए मटेरियल उपलब्ध है प्रिंटेड फॉर्म में, वो जानने के लिए आप जो यहाँ पर आपको सामने वेबसाइट दिख रही है उस वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, अब सीधा चलते हैं हम खबर पर। तो जो थंबनेल पर लिखने का कारण है उसका ये भी है कि वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल बहुत ज़्यादा लॉस कर लिया है इस क्वार्टर में। अब मैं दिखाता हूँ आपको, दोनों ने मिलके करीबन इतना करोड़ रुपए का लॉस किया है इस Q2 में, फिनेंशियल ईयर 20 के Q2 में। ये अब इसके बाद अकेले वोडाफोन आइडिया ने 51,000 करोड़ के आसपास का लॉस किया है, जो कि इंडिया में अब तक किसी कंपनी द्वारा किया गया सबसे बड़ा लॉस है। इसको हम चार्ट में भी देखेंगे और आपको वैसे भी बता दिया है मैंने। और इनके ऊपर जो इस फैसले से, जो AGR वाला केस है, उस फैसले से इनके पास जो लाइबिलिटी आई है वो 44,150 करोड़ रुपये की आई है, जो कि कोर्ट ने इनको ऑर्डर करी है। अब इन्होंने जो प्रोविज़न बना रखा है इनकी किताबों में वो मात्र 25,000 के आसपास का ही बना रखा है, यानी कि इनको मोटा मोटी 20,000 करोड़ रुपए की प्रोविज़न की और ज़रूरत पड़ेगी। तो इनका लॉस इसके चलते और ज़्यादा बड़ा है। अब एयरटेल ने जो प्रोविज़न कर रखा है वो इतना कर रखा है। अब इसमें 28,000 रुपये में जो मेन पूंजी थी, जिस दिन ये फैसला आया था, मतलब कि कंपनी ने या ट्राई ने जब इनको बताया था कि इतना पैसा बना है, तो टोटल वो 6,164 करोड़ रुपए अगर दे देते तो आज इनको 28,450 करोड़ रुपए देने की नौबत ना पड़ती। परंतु कंपनियां ने माना नहीं और उसमें ब्याज जुड़ता गया, ब्याज के बाद पेनल्टी लगी और पेनल्टी पर भी ब्याज लग गया। अब देखने वाली बात यह है, यहाँ पर मेन पूंजी थी 6,164 करोड़, उस पर ब्याज लगा 12,000 और उस पर पेनल्टी लगी 3,760 करोड़ रुपए की। और पेनल्टी पे जो ब्याज लगा वो देखिए, मतलब 3,000 रुपए मूल पूंजी थी और 6,300 रुपए ब्याज लग गया है उस पर। ये यहाँ पर देखिए, जो ब्रोकरेज फर्म है वो फिर भी बुलिश दिए जा रहे हैं, पता नहीं उनको क्या दिख रहा है, इतने लॉस करने के बाद भी बहुत बुलिश है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो कंपनी ने जो लॉस बुक किया है, ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हाइस्ट क्वार्टरली लॉसेस बाय इंडियन कंपनी वोडाफोन आइडिया टॉप इन द लिस्ट। ये टॉप कब बनी? Q2 15 में। इसके पहले टाटा मोटर ने उसके तीसरी तिमाही में 2019 की 26,000 करोड़ के आसपास किया था। उसके पहले, मतलब उससे थोड़ा सा कम, यानी कि तीसरे नंबर पर, ये इसी क्वार्टर का है भारतीय एयरटेल का। तो आप यहाँ पर देखिए, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, इन दोनों का लॉस बहुत ज़्यादा है। लेकिन आइडिया और वोडाफोन तो बंद होने वाली है, कुछ रिपोर्ट्स तो ये कहना है उनका कि जो आदित्य बिरला हैं आइडिया कंपनी के चेयरमैन या बिरला समूह के चेयरमैन, वो आइडिया कंपनी में अब ज़्यादा पैसा नहीं डालेंगे या बिल्कुल भी नहीं पैसा डालेंगे। अब इस कंपनी का भविष्य ही खतरे में है दोस्तों। तो कोई भी व्यक्ति जो वीडियो देख रहा है वो अगर निवेश करें तो अपने वित्तीय सलाहकार से निवेश करें या इस तरह की कंपनियों से बचे जिनमें गोइंग कंसर्न ही रिस्क पर रखा हो। तो दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।